Assalamu alaikum and welcome back. So today we are going to review the Suzuki Wagon R Stingray. Stingray means that the Wagon R is top of the line. It has all the features which you can think: keyless entry, push start, climate control, heated seats, HID headlights, armrest, sofa seats, you name it and it has it. Moreover, this is the car that was the Honda N1 ki aamad se pehle Pakistan mein Daihatsu Mira ke saath saath chhai hui thi. Daihatsu Mira aur Wagon R, ye evergreen gaadiyan hain Pakistan mein. 2012 model hai, 16 ki import hai, 17 ka number laga hua hai. 12 lakh 50,000 rupees ki demand hai. Number chal raha hoga, aap inko raabta kar sakte hain. To I review shuru karte hain. All right. To mere paas abhi chabi maujood hai. I'm going to lock the door. दोबारा मैंने कर दिया है लॉक. अब चाबी रख दी है मैंने जेब में, सही है. अब ये बटन को मैं दबाऊंगा, ये बटन तीनों साइड्स के ऊपर है तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी. ऑलराइट, लेट्स सिट इनसाइड. ऑलराइट, टू रिमाइंड यू ऑफ दैट इट्स अ कीलेस कार, सो आई एम गोइंग टू कीप द की ओवर हियर. ठीक है जनाब, ब्रेक पे पांव रखा तो बीच में एक हमें आया कि पुश द बटन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कार राइट नाउ. बटन ये है पुश स्टार्ट वाला. ब्यूटीफुल मीटर, जो ही मैंने स्टार्ट की है तो ये शीशे खुद ब खुद रिट्रैक्ट हो गए हैं. अनदर अमेजिंग फीचर अबाउट दीज कार्स. ऑल राइट, तो लेफ्ट पे हमारे पास आरपीएम मौजूद है. स्पीडोमीटर हमें शो कर रहा है कि 140 का इसका मीटर है. तो हमें पेट्रोल शो हो रहा है कि कितना इसमें है. मीटर घुमा के देखते हैं. अभी इसकी जो साइन है वो एवरेज के ऊपर है, मीन एवरेज के ऊपर जो निकली है 15 की एवरेज हमें दे रही है. शहर में ये हमें एवरेज देती है 15 से 16 की, और लॉन्ग रूट पे हमें ये गाड़ी एवरेज देती है 18 से 20 की, अगर आप 100-110 पे चलाएं तो लॉन्ग रूट पे. ये हमें रेंज शो कर रही है कि इतने से पेट्रोल में मजीद 55 किलोमीटर चल सकती है. 1,17,000 किलोमीटर डन है. ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ पे रिलेटिव एवरेज शो होती है, यानी मूविंग एवरेज ना. आप जब गाड़ी चला रहे होते हो तो आपकी एवरेज क्या शो हो रही होती है, कांस्टेंट एवरेज आपको शो हो रही होती है उस वक्त की ना. और यह है मीन एवरेज, बैक टू वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम. अच्छा जी, मीटर की बात हो चली तो स्टेयरिंग व्हील इसका सादा है. स्टेयरिंग व्हील के आपको बारे में बताते चलें कि एट टाइम्स मल्टी मीडिया पावर स्टेयरिंग आता है स्टिंगरे में, इसमें नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास हीटेड सीट्स मौजूद हैं. हीटेड सीट इज़ ओनली फॉर द ड्राइवर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कहीं ऑप्शन नहीं है कि पैसेंजर के लिए भी हीटेड सीट हो. इट्स ओनली फॉर द ड्राइवर. और यकीन माने, मैंने जब एक दो दफ़ा इस्तेमाल की है ये हीटेड सीट्स की ऑप्शन, तो लिटरली हाफ अ मिनट में आपका भाई जो है वो रोस्ट होना शुरू हो जाता है. ये हमारे पास जनाब फॉग लाइट्स की ऑप्शन है. जब आप लाइट्स ऑन करते हैं तो फॉग लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाती हैं. इल्यूमिनाई इज समथिंग, इट्स वन ऑफ माई बेस्ट फीचर्स इन दिस कार, कि रात के वक्त ना जब अंधेरा होता है तो इस साइड पे ना, यहाँ पे इस साइड के ऊपर और यहाँ पर और इन लाइट्स, जो ये म्यूज़िक बॉक्स वाला खाना है और यहाँ पर इस साइड पे, ठीक है, एक ब्लू कलर की एक लाइन सी जा रही होती है और एक बहुत ही गाड़ी के अंदर ना एक खूबसूरत सी लुक आती है अगर आप इस बटन को दबाएं तो. अगर नहीं दबाते तो वो लाइट नहीं ऑन होती है, तो वो बड़ी ही एक स्टाइलिश सी और एक शशके वाली फीलिंग आती है. इसके प्री की बात करते चलें तो इसमें हमारे पास जनाब रिवर्स कैम मौजूद है, एज यू कैन सी. अगर हम इसके एसी की बात करते चलें, सो वी हैव द क्लाइमेट कंट्रोल एसी ओवर हियर. ठीक है, हीटर चल रहा है, हम इसको करते हैं, एक मिसाल करते हैं, हम इसको ऑटो दबाते हैं तो देखते हैं क्या होता है. हीटर जो है वो ज़्यादा हीट कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि बाहर ठंड है. आउटर टेम्परेचर देखते हैं, यहाँ से आउटर टेम्परेचर क्या हो रहा है. आउटर टेम्परेचर 18, तो क्लाइमेट कंट्रोल लिटरली एसी के लिए भी काम करता है. ठीक है, और अगर आप हीटर ऑन करें तो उस लिहाज से भी काम करता है कि भाई जनाब सर्दियों का मौसम है तो इस गाड़ी को थोड़ी गर्मी की ज़रूरत है, तो ख़ुद ब खुद इसने एसी का वेंट जो है वो ज़्यादा कर लिया है. दीज लिटल फीचर्स मेक दीज कार्स एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट. अगर हम इसके यहाँ की फीचर्स की बात करते चलें तो हमारे पास चारों विंडोज पावर्ड हैं और जो ड्राइवर साइड की है दैट इज़ फुली पावर्ड, और बाकी तीन भी पावर्ड हैं मगर वो फुली पावर्ड नहीं है, जिनको फर्दर ड्राइवर जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता है ताकि बाकी कोई शीशा ना खुले. इसके अलावा वी हैव रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर ओवर हियर. फर्दर मोर, जिनमें इंडिकेटर भी है जो बहुत खूबसूरत लगता है साइड मिरर्स में, और आप एक एक शीशे को यहाँ से राइट पे करके या लेफ्ट पे करके यहाँ से
कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये चीज़ तो आप लोगों को पता चल ही चुकी होगी कि जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये शीशे खुद ही बंद हो जाते हैं, और जब आप अनलॉक करके स्टार्ट करते हैं तो ये शीशे खुद ब खुद खुल जाते हैं। ऑल्दो ये टॉप ऑफ द लाइन वैगन आर है, मगर सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इसमें सिर्फ दो एयर बैग्स मौजूद हैं, वन फॉर द ड्राइवर साइड एंड वन फॉर द पैसेंजर साइड। इसके कंपार्ट्स की बात करते चलें तो यहाँ पे एक फाइल रखने की सहूलत मौजूद है, यहाँ पे छोटे से कॉइन्स वगैरह रखने की सहूलत मौजूद है, ये एयर बैग का खाना है, एयर बैग के यहाँ पे एक कंपार्ट मौजूद है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे कंपार्ट है और यहाँ पे कंपार्ट है। द ब्यूटी ऑफ जापानीज पीपल, हर स्पेस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कप होल्डर की सहूलत मौजूद है, ये प्री का खाना है, प्री के नीचे वाला खाना जो है इट्स टोटली एम्प्टी, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे आप जो है वो अप टू 3 kgs का थैला लटका सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट के अंदर एक छोटा सा कंपार्ट मौजूद है, यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग व्हील के राइट पे यहाँ पे छोटा सा कॉइन वगैरह रखने की सहूलत मौजूद है, ड्राइवर साइड के यहाँ पे एक खाना मौजूद है और यहाँ पे नीचे एक खाना मौजूद है। पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या सीन है। तो पीछे जनाब यहाँ पर आपके पास सामान रखने की सहूलत मौजूद है और यहाँ पे आपके पास ईजिली बॉटल वगैरह रखने की सहूलत मौजूद है। अगर हम इसके लेग स्पेस और हेड स्पेस की बात करते चलें तो हेड स्पेस इज प्रीटी डिसेंट, बेहतरीन हेड स्पेस है यहाँ पर, नो इशू व्हाटसोएवर एट ऑल। एंड द लेग स्पेस इज ऑल्सो वेरी नाइस, कम्फर्टेबल लेग स्पेस, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लेग स्पेस मौजूद है। और फर्दर मोर स्टेयरिंग व्हील को आप जो है फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे करके जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मोर ओवर दिस कार हैज आर्म रेस्ट इन इट एज वेल, जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाता है। उसके साथ साथ दीज आर सोफा सीट्स, आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं और हमारी देसी आवाम चाहे तो यहाँ पे आगे भी 3 बंदे बैठ सकते हैं कन्वीनियंटली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं बैठा हुआ पीछे और आप लोग देख सकते हैं कि लेग स्पेस का ये माहौल है कि लिटरली बेहतरीन लेग स्पेस है। आपको बताते चलें कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स विच वन कैन हैव, आई एम श्योर इसी रीजन की वजह से वैगन आर इज वेरी फेमस। तो हेड स्पेस इज ऑल्सो प्रीटी डिसेंट, नथिंग रॉन्ग इन हेयर। हेड रेस्ट हमें ये सजेस्ट करते हैं कि पीछे 2 बंदों के बैठने के लिए जगह है, मगर यहाँ पे 3 बंदे भी कन्वीनियंटली मुझ जैसे बैठ सकते हैं। और एक बहुत ही खुला रूम है अगली सीट के लिहाज से भी, अगली सीट पे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और जो पिछली सीट पे लोग बैठे हुए हैं वो भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अगली सीट्स की तरह पिछली सीट्स भी आप आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें जनाब, ये सीट मैंने आगे की है तो अब ये सीट आगे हो गई है और ये सीट जो है वो पीछे है। फर्दर मोर आप इस सीट को वापस पीछे करते हैं, हम ये पीछे चली गई और इनमें रिक्लाइनर भी मौजूद है कि आप सीट को हल्का सा रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप मज़ीद कंफर्टेबली बैठ सकें या लेट सकें जैसा आपका दिल हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द इनसाइड, द बूट इज़ गुड। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आप लोग सीट आगे करके भी मज़ीद इसका जो बूट है वो ज़्यादा कर सकते हैं, और ऐसे करके अगर आपने सामान वगैरह ज़्यादा लोड करना हो तो लिटरली सीट जो है वो नीचे ही चली जाती है। आप लोगों को दिखाते हैं सीट कैसे जाती है नीचे, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सीट जो है ये नीचे हुई हुई है जिस पे बैठते हैं और ये सीट जो है हल्की सी ऊपर है, तो ये बेहतरीन एक स्पेस। आप देखते हैं सीट जो है ये ऊपर आ रही है तो ये लिटरली नीचे चली जाती है और नीचे जाके ये लॉक हो जाती है, इट्स नॉट कमिंग अप। इसको खोलने के लिए ये करना पड़ता है फिर ये इसका लॉक खुलता है, तो ये लॉक हो गई है और एक पूरा एक लंबा ट्रंक बन जाता है। अगर आप लोगों ने सामान वगैरह ज़्यादा रखना हो तो बेहतरीन एक फ्लैट इसका जो है वो स्पेस बन जाती है। यहाँ पे एयर पंप की सहूलत मौजूद होती है, फिलहाल वो इससे हमने निकाला हुआ है। लेट्स लुक एट द वैनिटी मिरर्स, ऑल वाइट लाइट मौजूद है यहाँ पे, सन शेड्स रखने की सहूलत मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पे भी वैनिटी मिरर मौजूद है और छत के ऊपर पीछे वहाँ पे भी एक लाइट मौजूद है। तो अभी हम इसकी ड्राइव शुरू करने लगे हैं। ऑल राइट, ड्राइव में हमने गाड़ी पुट की एंड लेट्स गो नाउ। द
drive is pretty comfortable. और अगर आप हल्के हल्के पांव के साथ चलाएं, तो as you can see के बीच बीच में हमें यहाँ पे top left पे eco का sign आता है, which is a very big plus point in these Japanese cars के जनाब आपको एक constant motivation मिलती रहती है कि आप जो हैं वो तमीज से चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं, to get a better fuel efficiency. और आप जैसे कि देख सकते हैं आपको moving average भी आपको बार बार show हो रही होती है कि आप किस average पे चला रहे हैं, जो आपकी ड्राइविंग स्टाइल को फर्दर इन्हेंस करती है अगर जो आप पेट्रोल की बचत करना चाहते हैं और एक बेहतर एफिशिएंसी लेना चाहते हैं. आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आप एक मुनासिब पांव के साथ भी चलाएं तो स्पीड भी ज़्यादा होती रहती है और एवरेज भी एक बेहतर होती रहती है. और वैसे भी ये तेज़ चला के लाहौर शहर में आप कहाँ जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट आगे पीछे सेंटर हर जगह गाड़ियाँ होती हैं, रिक्शे होते हैं, मोटरसाइकिल होती है, तो बार बार कस के चलाने से बेहतर है कि आपको जो मोटिवेशन मिलती है आप वो मोटिवेशन लें और उससे आपकी जो रिलेटिव एवरेज है वो बेहतर होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है मुझे 15.1 की एवरेज दे रही है. वैगन आर की जो ड्राइव है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, स्मूथ ड्राइव है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको वैगन आर स्टिंगरे का रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ. अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.